शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीने से रंग गोरा होता है, कच्चा पनीर खाने से झुर्रियाँ ख़त्म होती हैं, नीम गर्म दूध पीने से हिचकी आना बंद हो जाती है, अगर दिल उदास हो तो गुलाब जामुन खाने से खुशी मिलती है, अमरूद खाने से खांसी रुक जाती है, ज़्यादा टेंशन लेने से चेहरे पर पिंपल निकल आते हैं, आँखों में दर्द हो तो अरके गुलाब की दो बूंदें आँखों में डाल लो, ज़्यादा चीनी खाने से जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, एलर्जी का मसला हो तो केला खाओ, रात को सुरमा लगाकर सोने से आँखों में चमक आती है, लौंग पानी में उबालकर कुल्लियाँ करने से दांत मजबूत होते हैं, खीरा खाने से पेशाब खुल कर आता है और खून साफ होता है, जिस घर में लीमू का पौधा हो इस घर में मच्छर और कीड़े मकोड़े नहीं आते, पेशाब करने के बाद कतरे आते हों तो अनार के छिलकों की चाय बनाकर पियो। जो मियाँ बीवी घर में बहुत ज़्यादा झगड़े करते हैं इनके बच्चे नाफरमान पैदा होते हैं। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो पास मौजूद कोई भी किताब पढ़नी शुरू कर दो, नींद आने लगेगी। नाश्ते में दही खाने से गैस और कब्ज़ का मसला नहीं होगा। जो औरत सालों तक जवान नजर आना चाहती है तो रोज़ाना किशमिश खाने का मामूल बना लें। चेहरे पर झुर्रियाँ आने की असल वजह ज़्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल है। हरी मिर्च की चटनी के इस्तेमाल से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। नीम गर्म पानी पियो, दिमाग तेज़ी से काम करेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो भिंडी का सालन खाओ। हमेशा बेहतरीन और अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो सदका करने की आदत डालो। अगर अपना सुबह का नाश्ता ज़बरदस्त करोगे तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी। तली हुई चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल से चेहरे पर दाने निकल आते हैं। माश की दाल खाओगे तो शुगर से बचे रहोगे। नींद में बार बार डर लगता है तो सबज चाय पी लिया करो, डर नहीं लगेगा। सेब सुबह के वक्त खाना बेहतर है और रात को खाना नुकसानदेह है। बंदे की ज़्यादा सोने की आदत बंदे की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। अगर आप चाहते हैं कि कपड़े जब भी धोएं तो चमक जाएं तो नमकीन पानी से धो लें। जोड़ों में दर्द हो तो अनार का जूस नहार मुँह पियो। प्याज दूध के साथ इस्तेमाल करने से जिस्म में एलर्जी पैदा होती है। छोटी इलायची गर्म पानी में डालकर खाओ, आँखों की नज़र तेज़ होगी। अगर कोई दवाई खाने की वजह से आपको गर्मी हो गई है तो नारियल पानी पी लो। जिनमें खून की कमी हो वो नाशपाती खाओ। जिनका दिमाग कमज़ोर है वो देसी अंडे उबाल कर खाएं। बवासीर का मसला हो तो कच्ची अदरक खाओ। जिस घर में ज़्यादा मक्खियाँ आ जाती हैं इस घर में बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं। जिस राख से कीड़े निकलना बंद ना हो वहाँ पर खजूर की गुठली रख दो, कीड़े वगैरह निकलने बंद हो जाते हैं। तीन सब्जियां ऐसी हैं जिनको खाने से 50 साल के बूढ़े लोग भी 18 साल जैसे जवान हो जाते हैं, गोभी, बैंगन और कद्दू। हाथों में जब कभी स्याही के दाग लग जाए तो लीमू का रस हाथों पर रगड़ने से धब्बे दूर हो जाते हैं। जो औरत तुम्हें मुस्तरद करे इसके साथ सिर्फ दो काम कर लें, वो आपको कबूल कर लेगी। इसकी नफरत के बावजूद इसकी इज्जत आबरू की हिफाजत करो। हमेशा इसके भले के लिए, इसकी मदद के लिए पहली सफ में खड़े हो जाओ। दांत में कीड़ा लग जाए तो काले नमक के पानी से कुल्ली कर लो, कीड़ा बाहर निकल आएगा। कम मिर्च मसाले इस्तेमाल करने से मैदा कभी ख़राब नहीं होगा। इमली वाले पानी से बाल धोने से बाल चंद दिनों में लंबे होने लगेंगे। बदन में कमज़ोरी महसूस हो तो लोबिया खा लिया करें, आपकी जान में जान आ जाएगी। भिंडी खाने से जिल्द टाइट रहती है। नापाकी की हालत में खाना बनाने से घर में गुर्बत आती है। नहार मुँह कंघा करो, बाल घने हो जाएंगे। तोरी खाने से पेशाब की जलन का मसला हल हो जाता है। जो औरत हमेशा जवान और खूबसूरत रहना चाहती है वो रात के वक्त हरीट का मुरब्बा खाए, अगर दूध के साथ खा ले तो और भी बेहतर है। जो बंदा 17-18 साल की उम्र में शादी कर ले तो समझ जाए वो सारी ज़िंदगी खुश और नौजवान रहेगा और कभी कमज़ोरी का शिकार नहीं होगा। इसकी बीवी भी हमेशा जवान रहेगी। रात की बची हुई रोटी सुबह खाने से बदन में ताकत आ जाती है। अगर छोटा बच्चा उल्टियां कर रहा है तो इसको सौंफ दूध में गर्म करके पिला दें। केले के छिलके को सर पर मसलने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। नंगे पांव बहुत कम चला करो, इससे पांव के तलवे सख्त हो जाते हैं। जो औरत खाना बनाते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ ले इसके खाने का जायका बढ़ जाता है और खाने में बरकत होती है। सादा पानी से दवाएँ खाएँ असर करेंगी। सुबह के वक्त ज़्यादा और शाम को पानी कम पियो। अगर आप चाहते हैं कि हर वक्त दिमाग तेज़ रहे और सुस्ती भी ना पड़े तो खाना कभी भी पेट भरकर मत खाएं। कमर पर जैतून के तेल की मालिश करने से कमर थकती नहीं है।
जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाएं तो शहद लाजमी इस्तेमाल किया करें। ज़्यादा बर्फ़ का इस्तेमाल करने से मैदे की कमज़ोरी हो जाती है। जो मर्ज़ ज़्यादा देर औरतों के पास रहता है वह अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हो जाता है। दांतों को कीड़े से बचाने के लिए नीम की मसवाक कर लिया करें। सर दर्द के अंदर पालक खाने से सर का दर्द शदीद बढ़ जाता है। उबले चावल खाओ, रंग खूबसूरत होगा। मुंह की चिकनाई को ख़त्म करना है तो चावलों वाले पानी से मुंह धो लें। दोपहर के खाने के बाद कलोला किया करो, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। घुटनों के दर्द के लिए देसी अजवाइन, कीकर का गूंद, दोनों चीज़ें 50 ग्राम लेकर इनको पीस लें और सुबह दोपहर शाम एक चाय का चम्मच पानी के हमरा लें। अल्लाह के फजलो करम से शफा हासिल होगी। गाजर की सब्ज़ी ज़्यादा खाने से वहम की बीमारी दूर होती है। अगर पेशाब रुक रुक कर आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा गंडेरियाँ खाया करें। अगर पाँव का दर्द ना जाता हो तो पाँव के अंगूठे की सरसों के तेल से मालिश करें, दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। बगैर चीनी के चाय पियो, दिमाग तेज़ होगा। नींद पूरी ना होना चेहरे को ख़राब करता है। चेहरे पर बुढ़ापा महसूस होने लगे तो दूध में 2 दाने बादाम के डालकर पी जाओ, बुढ़ापे में भी जवान नजर आओगे। चेहरे का रंग खराब हो जाए तो चेहरे पर नींबू का रस लगा कर सो जाओ, चेहरा सफ़ेद चमकदार और जवान नजर आएगा। फलों के ज़्यादा इस्तेमाल से इंसान डिप्रेशन के मरज़ से बचा रहता है। जो औरतें ज़्यादा बैठकर काम करती हैं इनमें बवासीर का मर्ज़ तेज़ी से बढ़ता है। आलू बुखारे का शरबत जिगर की सफाई करता है। घर में खुशी का मौका है तो परिंदों को दाना डालो। अगर आपको जिस्मानी कमज़ोरी हो जाए तो खाली पेट दूध में 3 खजूरें उबाल कर खाओ। परिंदों को आज़ाद करने से रिजक बढ़ता है। जो नहार मुँह सब्ज़ा वगैरह में जाकर लंबे लंबे सांस लेता है कभी दिल की बीमारी नहीं होती। खड़े होकर झाड़ू देने से कमर का दर्द होगा। जो बंदर जाना अच्छे तरीके से आराम करता है इसका चेहरा जवान नजर आता है। कान बहरे हों या कम सुनाई देता हो तो गुड़ में सूंड मिलाकर गर्म करें और मरीज को खिलाएं। कानों की आवाज़ें आना बंद होंगी और कान खुल जाएंगे। प्याज का रस गर्म करके 5 से 7 कतरे कान में डालना भी मुफीद है। शहद और नमक से दांतों को साफ करें, दांत चमक जाएंगी। नमकीन पानी से नहाओ, झुर्रियाँ दूर होंगी। तरबूज पानी की कमी को दूर करने में मुफीद है, जो जिस्म की चर्बी को पगलाता है, स्किन के लिए बेहतरीन है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। रात को जराबे पहनकर सोने वाले का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जिनको मैदे की तेजाबियत का मसला हो वो बाएं करवट सोएं। सर के नीचे 2 नरम तकिए रखें, सर को ऊंचा रखें। रात को 8 बजे तक खाना ज़रूर खा लें। खाने के बाद पानी हरगज ना पिए। जिस समय खारिश होने की सूरत में मूंगफली नहीं खानी चाहिए। असली शहद फ्रिज के अंदर रखने से नहीं जमता, असली शहद पर मक्खी नहीं बैठती। नज़र की कमज़ोरी का खात्मा करना है और बदन की कमज़ोरी हमेशा के लिए ख़त्म करनी है तो रात को 7 बादाम पानी में भगो कर रखें और सुबह छिलकों समेत खा लें। मछली का सर का सूप कुछ अरसा नाश्ते में इस्तेमाल कर लें। 1 गिलास गाजर का जूस दिन में 1 बार ज़रूर इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करते हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की मालूमती वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।